मैंने इसमें नशे की दवाई मिला रखी है और ऐसा करने के लिए मालिक ने मुझे कहा था। क्या? और है ना, वो है ना पहले ऐसे कई लड़कियों को यहाँ ला चुकी है और उनके साथ पता नहीं क्या क्या करती है। थैंक यू सो मच यार, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आजकल का टाइम ऐसा है, किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते, और मोस्टली मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो फेक होते हैं। हाँ यार, आपको मिले होंगे फेक, क्योंकि जो हमारी फोटोग्राफी की लाइन है उसके अंदर ज़्यादातर लोग फेक ही होते हैं। मतलब कि जो उनके चक्कर में ना हमारे जो हम जेन्युइन फोटोग्राफर होते हैं हमारी इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग लग चुका है। बट डोंट वरी यार, मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा किसी फैशन के साथ में काम। मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को स्टार्टअप दिया है इस लाइन में, और आई होप आप मेरे साथ काम करोगे तो जो आपका करियर है उसको अच्छा बूस्टअप मिलेगा। बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैं आपके लिए एक स्पेशल वाली ब्लैक टी मंगवाता हूँ, चलेगा? ठीक है। रामू, रामू, जी साहब। एक काम कर, मैडम के लिए अपनी वाली स्पेशल ब्लैक टी ले गया। जी साहब। जो हमारी ब्लैक टी है आप उसको पीना, आपका जो भी स्टैंड है सब रिलीज रहेगा। बाकी मैं ये कह रहा था कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा शूट होगा, मैं उसके लिए सोचा कुछ हम नेचर में जाके शूट करते हैं, तो उससे फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अबे पागल, ये क्या कर दिया तूने? तेरा दिमाग खराब है कि मैडम का हाथ जला दिया? मैडम आपका हाथ तो ठीक है ना? आई एम फाइन। वॉशरूम कहाँ पर है? जा मैम को वॉशरूम दिखा के। पागल कहीं का हर जगह मेरी बेइज्जती करवाता है। मैम इसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। इट्स ओके, जा जल्दी जा, खड़े होके सूरज देख रहा है। मैम साहब, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। जो मैंने आपके आते ब्लैक टी गेरी है ना, वो मैंने जान के गेरी है। क्यों? क्योंकि ना मैंने उसमें नशे की दवाई मिला रखी है और ऐसा करने के लिए मालिक ने मुझे कहा था। क्या? और है ना, वो है ना पहले ऐसे कई लड़कियों को यहाँ ला चुकी है और उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करना, मैंने ना इस पे नशे की दवाई छिड़क दिया है, आप ना उनको सुखा के वहां से भाग जाना। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं अपने उस बेकूफ नौकर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना? अब आपका हाथ? हाँ हाथ ठीक है मेरा। अच्छा चलो कोई नहीं, आप कॉफी टेस्ट कीजिए। नहीं वो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कॉफी नहीं पीनी। आप मुझे पानी पास कर दोगे क्या? हाँ पानी पास कर दूंगा, बट मैम चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो हर लड़की के साथ करता हूँ। मतलब? मतलब ये कि जो मैंने तुम्हें कहानी बताई थी ना, उस कहानी का विलेन वो नहीं मैं हूँ, और जो स्टूडियो में लड़कियों के साथ होता है ना वो भी मैं करता था, और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम कितने झूठे हो, तुम्हारी वजह से मैंने उस बेचारे को बेहोश कर दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ए लड़की चुप कर, सीधे तरीके से मान जा वरना मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर करेगा। चल पुलिस। हेलो पुलिस सर, मैं आपको एक एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, आप प्लीज वहां पे आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। ओके सर। मैंने बुलाया पुलिस को, बुलाया तो वैसे मैंने उनके लिए था, बट असली गुनहगार तो तुम हो, तुम जेल जाओगे। सर अरेस्ट हिम। चल तुझ जैसे आरोपी की जगह यहाँ नहीं, वहाँ जेल में है। सर माफ कर दो सर। चल उठो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
तुमने मेरे साथ क्या किया था? यार आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे नौकर के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सुंघा दिया। आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने पुलिस बुला के उसको अरेस्ट करवा दिया। रामू ने ये सब किया? अच्छा तुमने उसको पुलिस अरेस्ट करवा दिया। और वो ये सारी चीजें करता था लड़कियों के साथ और लड़कियों को बोलता था कि तुम कर रहे हो। जब भी मैं बोलूं कि मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ वो आगे जाके ना क्यों कर देती है। एक काम करते हैं यार, ये जो भी तुमने लिए सुंघाया है इसकी वजह से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम ये शूट हम आगे कर लेते हैं, ठीक है? कल चलेगा? चलेगा। आई एम वेरी सॉरी, तुम ध्यान रखना अपना। इट्स ओके।